के सूत्रों ने बताया कि मार्च के मध्य में मरीज सामने आने लगे थे। महीने में पहला मामला जिला केंद्रीय जेल से आया था, जहां एक विचाराधीन कैदी को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। घटना के बाद जेल में पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की पूरी तरह से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और RT-PCR टेस्ट किए गए। हालांकि पूरे राज्य में मामले बढ़ने के साथ मरीज सामने आने लगे हैं। कुल 16 सकारात्मक मामले पाए गए, जिनमें से एक व्यक्ति को 2 बार सकारात्मक निदान किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर महादेव चिंचोले ने दावा किया कि 15 सकारात्मक मामलों में से केवल 6 का इलाज चल रहा है, जबकि शेष ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सक्रिय 6 मरीजों में से 2 ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जबकि शेष 4 चंद्रपुर शहर के हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के विस्तृत दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने पॉजिटिव मामलों के लिए कोविड उपचार वार्ड को सक्रिय कर दिया है। इसी तरह चंद्रपुर नगर निगम को आइसोलेशन सेंटर शुरू करने को कहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों में RT-PCR परीक्षण के लिए नमूना एकत्रित किया जा रहा है। लक्षणों वाले लोगों को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए और अपने नमूने उपलब्ध कराने चाहिए। चंद्रपुर जिला सिविल सर्जन चिंचोले ने नागपुर मेट्रो समाचार से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीज को या उनके परिजनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सभी प्रकार की सतर्कता कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। सभी से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। डॉक्टर चिंचोले ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार या घबराहट जैसे लक्षण दिखने से तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। जिले के सभी अस्पताल कोविड-19 इलाज या परामर्श के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज कोविड-19 च्या अनुषंगाने थोड़े से पेशंट तुरळक प्रमाणामध्ये निघत आहेत, आणि त्या अनुषंगाने मी असं सांगेन की कोणी घाबरण्याची तर आवश्यकता नाहीच आहे। आपल्याला जरी पेशंट असेल कोणी, तर ताबडतोब त्यांनी त्याला काही सिम्टोमॅटिक दिसत असेल, ताबडतोब PSC RH उपरुग्णालय जिल्हा रुग्णालय येथे ताबडतोब जावं, तपासणी करावी, उपचार करून घ्यावा, आणि कोणीही घाबरण्याची आवश्यकता काहीच नाही आहे। आणि सर्व यंत्रणा आता शासनाने निर्देश दिलेले आहेत की कोणी म्हणजे काय म्हणजे गरज आहे त्याचे पूर्ण नियोजन झालेलं आहे, आणि आयसोलेशनचं नियोजन झालेलं आहे, ॲडमिशनचं नियोजन झालेलं आहे, उपचारचं नियोजन झालेलं आहे। त्यामुळं सर्व सुविधा आपल्याकडे आता सुसज्ज आहेत। त्यांना सर्दी, ताप, शरीर थोडंसं बॉडी पेन होणे हे अशा प्रकारचेच नॉर्मल असतात ते, आणि तसं जर आढळलं तर ताबडतोब ताप आहे, दम लागल्यासारखं वाटतं थोडं, तर ताबडतोब रुग्णालयामध्ये जावं, कोविडची अँटीजेन किंवा RT-PCR टेस्ट करून घ्यावी, सध्या सगळीकडे उपलब्ध करून दिलेली आहे। आणि डॉक्टर जे त्याच्या सिम्टोमॅटिक ज्या प्रमाणात जे काही ट्रीटमेंट देतात तिथे, तर ते तिचं पूर्णपणे ते घ्यावेत। हां, तुरळ थोडीसे प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे, त्या अनुषंगाने भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण दक्षता घेण्याच्या पूर्णपणे सूचना दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे आम्ही त्याचं अवलोकन खाली करत आहोत। चंद्रपूर से BCN न्यूज के लिए सुनील तायडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।